हेलो एंड वेलकम टू धीरेंद्र सिंह चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं अकाउंटिंग इज नेसेसिटी वाइल ऑडिटिंग इज लग्जरी। इसका क्या मतलब होता है और ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बीकॉम में इसका क्वेश्चन भी बनता है और काफ़ी नॉलेजेबल भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके मीनिंग क्या होता है और इसके रिलेटेड क्या क्या पॉइंट होते हैं। अकाउंटिंग इज नेसेसिटी क्यों बोलते हैं हम और ऑडिटिंग को लग्जरी क्यों बोलते हैं, उसको समझने से पहले हमें ये चीज़ दो समझनी पड़ेगी कि नीड क्या होती है और लग्जरी क्या होता है। नीड का मीनिंग क्या होता है, लग्जरी का मीनिंग क्या होता है। नीड वो होता है जो कि हम जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते, जैसे कि रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारे नीड है, ये ज़रूरतें हैं जिसके बिना हम रह नहीं सकते। लेकिन जो लग्जरी चीज़ है उसके बिना हम रह तो सकते हैं और ना ही हमारी वर्किंग कैपेसिटी पर इफेक्ट डालता है। वर्किंग कैपेसिटी मतलब जो कि हमारी एफिशिएंसी है, काम करने की क्षमता कह सकते हैं इसको, उसके इफेक्ट नहीं डालता है लेकिन नीड डालती है। क्योंकि अगर हमारी नीड पूरी नहीं होगी उसके बिना हम काम नहीं कर सकते, लेकिन लग्जरी के बिना हम काम भी कर सकते हैं और ये हमारी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो यही चीज़ है समझने वाली कि नीड क्या होती है, लग्जरी क्या होता है। अब ये समझते हैं कि अकाउंटिंग को नेसेसिटी क्यों कहते हैं, अकाउंटिंग की नेसेसिटी, ऑडिटिंग की लग्जरी। अकाउंटिंग तो ज़रूरत है लेकिन ऑडिटिंग की ज़रूरत इतनी नहीं है, इसलिए हम उसको लग्जरी कह रहे हैं। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ नहीं हुआ था, उससे पहले अकाउंटिंग को भी लग्जरी कहा जाता था। अकाउंटिंग को भी लग्जरी कहा जाता था, क्यों? क्योंकि उस समय क्या था कि उस समय थे स्मॉल बिजनेस। अब स्मॉल बिजनेस में कैपिटल जो होती है वो कम होती है, कैपिटल कम लगाएगी, तो किसी भी बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करना पॉसिबल नहीं था। अकाउंटिंग उस समय इतनी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि स्मॉल बिजनेस थे, कैपिटल इतनी नहीं थी, अकाउंटेंट अपॉइंट नहीं कर सकते थे और इतनी कोई ट्रांजेक्शन भी स्मॉल थी, ट्रांजेक्शन स्मॉल थी तो अकाउंटिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और साथ ही साथ नए नए और बिजनेस आ गए, नए नए कॉम्पिटिटर आ गए और नए नए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस पार्टनरशिप आ गई, कंपनीज आ गई, इससे क्या हुआ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, ट्रांजेक्शन भी ज़्यादा होगी। उसकी वजह से क्या हुआ कि हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ गई और अकाउंटिंग जो है वो हमारी नीड बन गई। किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस के लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ गई, क्योंकि अकाउंटिंग के बिना वो कोई भी ट्रांजेक्शन को इस विश्वास नहीं कर सकते, अकाउंटिंग के बिना कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए अकाउंटिंग नेसेसिटी बन गई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, वो भी पहले लग्जरी थी। तो एक टाइम ऐसा था जब लग्जरी थी वो भी, लेकिन अकाउंटिंग नेसेसिटी बनती गई क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई और जैसे जैसे ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती रहती है तो अकाउंटिंग के बिना कभी भी वो पॉसिबल नहीं होता रिकॉर्ड करना। तो इसीलिए अकाउंटिंग नेसेसिटी है। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके हम समझ सकते हैं कि अकाउंटिंग नेसेसिटी क्यों है, क्योंकि हमारी जो मेमोरी पावर है वो लिमिटेड है, हम सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, अपने माइंड में याद नहीं कर सकते कि कल क्या हुआ था, आज क्या हुआ था, कल कितनी सेल हुई थी, आज कितनी सेल हुई थी, हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते अपने माइंड में। तो इसलिए लिमिटेड मेमोरी की वजह से हमारी अकाउंटिंग नेसेसिटी बन गई है। ऐसे ही एक्चुअल पोजीशन की, बिजनेस की नॉलेज पता करने के लिए भी अकाउंटिंग की जाती है। अकाउंटिंग के बिना हम कभी भी ये नहीं बता सकते कि हमारी एक्चुअल पोजीशन क्या है, क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन जज करते हैं। कोर्ट में प्रूफ करना है, अकाउंट्स चाहिए, अकाउंट्स के बिना कोई भी कोर्ट नहीं मान सकता। वैसे भी डेप्टर और क्रेडिटर के लिए हमें नॉलेज चाहिए, वही अकाउंटिंग के बिना ही पॉसिबल हो पाती है। इंसॉल्वेंसी हो जाती है कंपनी की तो भी हमारे क्या चाहिए, प्रूफ, जहाँ भी प्रूफ आएगा वहाँ पर क्या चाहिए, अकाउंट्स चाहिए। और अकाउंट्स कहाँ से बनेंगे, जब अकाउंटिंग होगी। असेसमेंट टैक्स करना है, कोई भी लॉ का केस आ जाएगा जब वहाँ भी अकाउंटिंग चाहिए ही चाहिए। कोई भी कंपेरेटिव स्टडी करनी है कि पिछले साल मेरी क्या परफॉर्मेंस थी, इस साल क्या थी, वो सिर्फ पॉसिबल हो सकती है अकाउंटिंग से ही। और हमें कुछ भी बोरो करना है, लोन लेना है या कोई भी लीगल काम करना है सिंपल भाषा में, उससे उसमें तो अकाउंटिंग चाहिए ही चाहिए, उसके बिना अकाउंटिंग से बिना काम ही नहीं हो सकता। वैसे ही अगर मुझे बिजनेस सेल करना है, फ्रॉड के सेफ्टी चाहिए कि फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ें अकाउंटिंग से ही पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि हम अकाउंटिंग में सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम इम्प्लॉयज़ को आसानी से जज कर सकते हैं कि इम्प्लॉयज़ सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। पार्टनरशिप फॉर्म करनी है तो पार्टनरशिप में तो वैसे भी अगर कोई भी पार्टनर एडमिट करना है या उसको निकालना है तो वहाँ भी अकाउंटिंग चाहिए ही चाहिए, तो अकाउंटिंग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। वैसे ही अगर मुझे कोई बिजनेस इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी अकाउंटिंग से ही हो सकती है, कि अकाउंटिंग से ही हमें पता चलता है कि कितने हमारे क्रेडिटर है, क्या क्या पार्टनर्स हैं हमारे कंपनी में, कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये सब चीज़ें अकाउंटिंग से ही पता कर सकते हैं हम। ये तो हो गया, अकाउंटिंग हमारी नेसेसिटी है, इस रीजंस की वजह से अकाउंटिंग हमारी नेसेसिटी है।
अब समझते हैं कि अकाउंट ऑडिट जो है वो लग्जरी क्यों होता है। हम अकाउंटिंग समझ ले कि नेसेसिटी क्यों है, क्योंकि हमारे जो हमारी मेमोरी पावर लिमिटेड है, कोई भी हमें असेसमेंट करनी है, कोई भी लीगल काम करना है, हमें सेल करनी है, बिजनेस को प्रदर्शन करना है, बिजनेस की कंपेटिटिव स्टडी करनी है, वहाँ तो अकाउंटिंग चाहिए ही चाहिए। तो ऑडिट लग्जरी क्यों है फिर? दरअसल ये एक स्टैंड पॉइंट है, जैसे कि मेरा और आपका एक स्टैंड पॉइंट है कि ऑडिट हम लग्जरी कह रहे हैं। किस स्टैंड पॉइंट की वजह से? जैसे कि मिस यूज ऑफ मनी, पैसे की वेस्टेज हो रही है। पैसे की वेस्टेज क्या मतलब है? जैसे कि मुझे सीए चाहिए ऑडिट में, अगर कंपनी अकाउंट कर रही है तो सीए ही होना चाहिए, उसके बिना तो ऑडिट नहीं हो पाएगा ना। कोई भी एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट तो कर नहीं सकता, सिर्फ चार्टेड अकाउंटेंट ही ऑडिट कर सकता है। तो इसीलिए स्मॉल बिजनेस हमारे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए उसके लिए क्या हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगी इसके लिए। ऐसे ही मिस यूज ऑफ एनर्जी, क्योंकि ऑडिट के लिए, ऑडिट करने के लिए हमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन को एग्जामिन करना पड़ता है, और बहुत सारी ट्रांजेक्शन को एग्जामिन करने के लिए काफ़ी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा स्टाफ मंगाना पड़ती है ऑडिट को, तो वो चीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है और एनर्जी वेस्ट हो जाती है इस चक्कर में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वाउचर्स उसको अरेंज करने पड़ेंगे, ऐसी कई सारी चीज़ें उसको देनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है उनके लिए। वेस्टेज ऑफ टाइम, वही पॉइंट निकल के आ रहा है, वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है ऑडिट से, क्योंकि उसको हर वक्त सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, हर वक्त ऑडिट स्टाफ को बार बार आना पड़ता है उसके एम्प्लॉयज़ को काम को चेक करने के लिए, बार बार उसको लिस्ट प्रिपेयर करके देनी पड़ती है, हर एक चीज़ देनी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है स्मॉल बिजनेस के लिए। स्मॉल बिजनेस के लिए यहाँ पर बात हो रही है। और डिक्रीज इन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है, इसका क्या मतलब है? डिक्रीज इन एफिशिएंसी, दरअसल ऑडिट जो ऑडिटर बार बार इंप्लॉयज से इन्फॉर्मेशन लेना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन लेगा तो इससे क्या होगा, इम्प्लॉयज़ का बार बार काम जो है हिंड्रेंस होगा, काम बार 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 उसको परेशान करेगा ऑडिटर, और इम्प्लॉयज़ अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं कर पाएगा, इम्प्लॉयज़ बार बार अपनी परफॉर्मेंस को बार बार उसको चेक करेगा, तो इसलिए क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी गिर जाएगी, उनको काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। और ये लास्ट पॉइंट है जिसकी हम इस स्टैंड पॉइंट से हम कहते हैं कि ऑडिट जो है वो लग्जरी है, वो है इररेलीवेंसी ऑफ ऑडिट, यानी कि ऑडिट की ज़रूरत नहीं तब भी ऑडिट कराते हैं। दरअसल क्या है कि कुछ फ्रॉड्स एरर होते हैं जो कि हमेशा अनडिटेक्टेड रह जाते हैं, जो कि निकल ही नहीं पाते ऑडिटर से, क्योंकि बहुत सारे एरर्स होते हैं, फ्रॉड होते हैं जो कि बहुत ही चालाकी से की होती है, तो वो तो ऑडिटर नहीं निकाल पाता, क्योंकि ऑडिट तो क्या करता है, ज़्यादा टेस्ट चेकिंग करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है, दरअसल ये पॉइंट्स आप गौर कर रहे होगे, ये पॉइंट्स जो है वो है स्मॉल बिजनेस के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए सब चीज़ें वैलिड है, क्योंकि उनके लिए इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इतने ट्रांजेक्शन भी नहीं होती, तो उससे क्या होगा कि उनके लिए मिस यूज ऑफ मनी हो जाएगा, एनर्जी उसके लिए मिस यूज हो जाएगी, वेस्टेज और टाइम होगा उसके लिए। ये सब पॉइंट सिर्फ स्मॉल बिजनेस के लिए अप्लीकेबल होते हैं, लेकिन लार्ज बिजनेस के लिए ऑडिटर बहुत ज़रूरी है, ऑडिटर के बिना लार्ज बिजनेस बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि लार्ज बिजनेस में ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो फ्रॉड और एरर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो ये चीज़ें नहीं देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन देनी पड़ रही है ऑडिटर को, टाइम एनर्जी वेस्ट हो रही है, वो उनके लिए टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, स्मॉल बिजनेस के लिए हो रही है। लार्ज बिजनेस के लिए ऑडिटर तो बहुत बहुत ज़रूरी है, और ऑडिट के बिना वो कभी भी काम नहीं कर पाएगा ढंग से। और वैसे भी कंपनी में तो जो ओनरशिप है और जो मैनेजमेंट है वो तो अलग अलग होती है ना, तो ओनरशिप जो है वो शेयर होल्डर्स वो कैसे विश्वास कर लेंगे मैनेजमेंट पे, तो वहाँ तो कंपलसरी है ऑडिट कराना, वो नहीं देखेंगे कि कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है, कितना टाइम लग रहा है। तो इसीलिए ऑडिट जो है लग्जरी स्मॉल बिजनेस के लिए है, ना कि लार्ज बिजनेस के लिए। तो एंड में अगर ये कहे कि ऑडिटिंग इज नॉट अ नेसेसिटी, इज नॉट अ टोटली करेक्ट, ऑडिटिंग नेसेसिटी नहीं है, ये पूरी तरह बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऑडिटिंग लग्जरी हो सकती है सिर्फ कुछ बिजनेस के लिए, जैसे कि स्मॉल बिजनेस के लिए, और अकाउंटिंग भी नेसेसरी, अकाउंटिंग भी लग्जरी हो सकती है कुछ बिजनेस के लिए, जैसे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल, जो जितने भी जो है जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल बिजनेस होते हैं, आप देखते होंगे दूध वाला, वो ज़्यादातर अकाउंटिंग जो है वो खुद ही करता है ना, अकाउंटेंट तो बुलाता नहीं है किसी को भी, तो इसलिए वहाँ पर भी उनके लिए अकाउंटिंग भी कभी कभार लग्जरी हो सकती है। तो इसीलिए ये ऑडिटिंग जो है नेसेसिटी है लार्ज बिजनेस के लिए, लग्जरी है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वैसे ये अकाउंटिंग को भी आप नहीं कह सकते कि अकाउंटिंग नेसेसिटी है, बिल्कुल है, स्मॉल बिजनेस के लिए भी है, लेकिन कुछ बिजनेस के लिए अकाउंटिंग भी लग्जरी हो सकती है। तो इसलिए ये कहना कि ऑडिटिंग लग्जरी है, ये पूरी तरह बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऑडिटिंग कुछ बिजनेस के लिए लग्जरी है और कुछ बिजनेस के लिए नहीं है। तो इसीलिए
ऑडिटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चल सकता लार्ज बिजनेस के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अकाउंटिंग ये नेसेसिटी वाइल ऑडिटिंग लग्जरी वाली कहानी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करें। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ जाता है तो प्रेजेंटेशन कैसे करें इसकी। दरअसल प्रेजेंटेशन मैंने वैसे इसकी 2-3 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं, मैंने आपको आई कार्ड में लिंक दे दूंगा उसका। अब बात करते हैं कि भैया प्रेजेंटेशन कैसे करें। दरअसल क्या करते हैं इसमें, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप क्या करो, ये ऐसे ही लाइन को कोटेड लाइन लिख दो और इसको इस तरीके से लाइन कर दो, इसको हाईलाइट कर दो, फिर यहाँ से एक के बाद एक लिखना शुरू कर दो। कैसे, आप ऐसे लिखना शुरू कर दो कि अकाउंटिंग इज नेसेसरी, ऑडिटिंग इज लग्जरी। इस तरीके से आप एग्जाम एक्सप्लेन करने की जगह आप ऐसे करो कि पहले इसको ऐसे एक्सप्लेन करो कि नेसेसिटी इज कंसर्न विद नीड, एनीथिंग विच इज नीडेड एंड मेंटेन विद वर्किंग कैपेसिटी। इसको नेसेसिटी को पहले एक्सप्लेन करो, फिर लग्जरी को एक्सप्लेन करो, फिर उसके बाद एक पॉइंट लिखो अकाउंटिंग इज नेसेसिटी, फिर उसके कुछ ऐसे पॉइंट लिख दो। अगर 4 मार्क्स में है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऑडिट इज लग्जरी अगर ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दो, अगर ये 4 मार्क्स में नहीं है तो इसको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद फिर आप एंड में थोड़ा सा अपना एक कंक्लूजन देना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको समझ में आएगा कि ऑडिटिंग लग्जरी सबके लिए नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से समझ में आया होगा इसके बारे में। और आप और रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं ऑडिटिंग की, मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी ऑडिटिंग की, पूरा प्लेलिस्ट आई कार्ड में आपको मिल जाएगी। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।